गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेस वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ हिना खान रिक्रिएशन लुक। गाइस आई रियली होप कि आपको ये देखने में काफी मजा आएगा, बिकॉज इस तरह की ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। मजा आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ये रिक्रिएशन वीडियो पसंद आती है तो नेक्स्ट मैं किसका लुक क्रिएट करूँ वो भी मुझे कॉमेंट्स करके बता देना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट मैं यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज टोनर। सो गाइज एज यू कैन सी इस लुक में हिना खान का फेस काफी ज्यादा ग्लोई लग रहा है, तो इस तरह से नेचुरल मेकअप तय करूंगी। तो फर्स्ट मैंने अपने फेस को अच्छे से टोनर अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम। सो इसके टू ड्रॉप्स मैं अपने फेस पे अप्लाई करूंगी, जिससे मेरा फेस ग्लोई ग्लोई टाइप लगेगा। ना इस तरीके से मैंने इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। नाउ फिंगर की हेल्प से मैं अच्छे से अपने ऑल ओवर फेस पे इसे अप्लाई कर रही हूँ। ना इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ सेटाफिल का अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन, बिकॉज इससे मेरी स्किन काफी ज्यादा हाइड्रेट रहती है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ही इस स्टेप को आप फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हो। हाँ गाइज, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको ये लाइट टाइप का मॉइस्चराइजर यूज कीजिए। मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, चेक कर लेना। सो इससे मेरी स्किन बिल्कुल प्रिपेयर हो गई है मेकअप के लिए, जिससे मेरा मेकअप ग्लोई लगेगा। नाउ गाइस नेक्स्ट मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ मिलानी का मेकअप इट ट्यूट। ये आप एज अ प्राइमर भी यूज कर सकते हो, एज अ सेटिंग स्प्रे भी यूज कर सकते हो। सो इसे फेस पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। नाउ आफ्टर दैट मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस ये फाउंडेशन है, एंड इसमें मेरी शेड है बीच प्रॉन्स। ना इस तरह से स्पैचुला के साथ ही आता है, और इसे मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करूंगी। ये काफी ज्यादा अच्छा फाउंडेशन है, प्लस इसका जो प्राइस है वो काफी अफोर्डेबल है। तो अगर आपका बजट कम है तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मतलब ऐसी बात नहीं है कि आपका बजट कम है तो ही आप इसे ट्राई करो, आपका बजट अच्छा खासा हो तो भी आप इसे ट्राई कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा अच्छा फाउंडेशन है। अब मैं डैप डैप करके इसे अपने फेस पे सेट कर रही हूँ। गाइज इसे मैंने अच्छे से अपने फेस पे सेट कर लिया है। नाउ इसके बाद अब बारी आती है कंसीलर की, बिकॉज यू कैन सी मेरे डार्क सर्कल्स कितने ज्यादा हॉरिबल दिख रहे हैं। सो गाइज इसे हाइड करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर एंड डिफाइन। सो गाइज कंसील एंड डिफाइन, तो इसमें मेरी शेड है C2, एंड आई नो ये शेड जो है ये मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा स्किन से थोड़ा सा लाइटनिंग हो जाती है, बट स्टिल एज अ कंसीलर ये परफेक्टली जाएगी। नाउ इस तरीके से मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, और जो इसकी कवरेज वो हाई कवरेज देता है ये, तो इसे फेस को हाईलाइट भी मैं कर रही हूँ, इसे अप्लाई कर रही हूँ, जिससे मेरे डार्क सर्कल्स आपको दिख रहे हैं ना वो अच्छे से हाइड हो पाएंगे। नाउ सेम जो स्पॉन्ज मैं यूज कर रही हूँ उसी की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड आउट करना स्टार्ट कर रही हूँ। नाउ गाइस अच्छे से मैंने इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ लूज पाउडर, जिससे मैंने जो कंसीलर और फाउंडेशन अपने फेस पे अप्लाई किया है वो सेट हो जाए। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक्स का ऑल सेट टू गो ट्रांसल्यूजेंट पाउडर। सो इसके साथ एक स्पॉन्ज आता है इस तरह से, सो इसी की हेल्प से मैं अपने फेस पे इसे सेट कर रही हूँ। नाउ अब आपको वेट करना है 30 सेकेंड्स तक के लिए, ताकि जो पाउडर आपने अपने फेस पे लगाया है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो तब तक मैं लगा रही हूँ मेबरीन की बेबी लिप्स लिप बाम अपने लिप्स को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि मेरी लिप्स बिल्कुल बिल्कुल भी क्रैकी क्रैकी ना लगे, सॉफ्टनेस आ जाए मेरी लिप्स पे। नाउ गाइज एज यू कैन सी मैंने अपने फेस को अच्छे से सेट कर लिया है। नाउ अब मैं देखने जा रही हूँ हिना खान की पिक्चर कि वो इसमें कैसी लग रही है। सो अब बारी आती है ब्लश में बाद में लगाऊंगी, सो अब बारी आती है ब्राउज की।
तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देती हूँ. सो गाइस एज यू कैन सी उनकी ब्राउज कितनी ज़्यादा यू नो थिक टाइप में फिल कर रखी है. सो ब्राउज को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्राउ टैटू. चलिए फर्स्ट हम डन करेंगे ब्राउज. और गाइस ये टैटू बहुत ज़्यादा यू नो अमेजिंग है. अगर आपके ब्राउज पे हेयर कम है तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो. ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है. नाउ गाइस ब्राउज के बाद अब बारी आती है आईलाइनर की. एंड यू कैन सी आईलाइनर पे कितना सिंपल है हिना खान का. सो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ स्टे कुर्के का आईलाइनर. तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल लाइनर लगाया है जिस तरह हिना खान का था. मतलब रिंग वगैरह मैंने बिल्कुल भी नहीं निकाली है. जस्ट यहाँ आते ही मैंने फिनिश कर दिया है. नाउ नेक्स्ट मैं कर्ल कर रही हूँ लैशेस. वो मस्कारा मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का डबल एक्सएल मस्कारा. Now guys, it's time for blush. तो यहाँ पे मैं Sivana Colors का ये ब्लश यूज कर रही हूँ शेड 04. तो यहाँ से मैं पिक कर रही हूँ ब्लश की ये शेड. सो एज यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हो हिना खान का ब्लश काफी यू नो थोड़ा सा कॉरल पिंक के टाइप है. तो इसी तरह से मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ. नाउ इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ हाईलाइटर. सो गाइस हाईलाइटर के लिए दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट हाईलाइटर. तो इस तरह से मैं इसे यू नो अपने फेस पे अप्लाई करूंगी. एंड जैसे कि मेरे पास यू नो फैन ब्रश नहीं है तो इस तरह से पिंच करके मैं यू नो जो हाईलाइटर है वो इस पे अप्लाई कर रही हूँ. नाउ टैप टैप करके रिमूव कर रही हूँ एक्सेस को. एंड इस तरीके से नाउ गाइज इसके बाद आती है बारी लिपस्टिक की. तो लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे ये टू शेड्स पिक की हैं जो कि स्टे कुर्के ब्रांड की है. और वेट मैं भी आपको दिखाती हूँ. सो गाइज एज यू कैन सी हिना खान की लिपस्टिक का कलर देखिए कितना ज़्यादा यू नो थोड़ा सा कॉरल पिंक के टाइप है. तो इस शेड को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये टू शेड्स पिक की हैं जो कि है स्टे कुर्के की ही. सो इसमें से फर्स्ट शेड है 24 एंड सेकेंड शेड है 20. तो इन दोनों शेड्स को मिक्स करके जो मुझे परफेक्ट शेड चाहिए मैं वो बनाऊंगी. तो फर्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ शेड नंबर 20. सो इस तरीके से मैंने इसे लिप्स पे अप्लाई कर लिया. नाउ अब मैं 24 शेड यूज कर रही हूँ जो कि थोड़ा सा न्यूड काइंड है, थोड़ा सा ब्राउनिश काइंड है सॉरी. तो इस तरह से इसके दो डॉट्स मैंने ली हैं अपने लिप्स पे. नाउ अब मैं यहाँ पे फिंगर का यूज कर रही हूँ इस तरह से. सो गाइज यहाँ पर मुझे जो लिप शेड चाहिए थी एग्जैक्टली वो शेड मुझे मिल गई है. नाउ यू कैन सी तो मैंने इसके लिए जो लिप शेड यूज़ की है वो मैंने आपको बता दिया है. नाउ फर्स्ट लुक तो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ ये. तो गाइज मैं एक यू नो ये रिक्रिएशन टाइप लुक है. तो फर्स्ट मैंने अपना फेस बिल्कुल यू नो मेकअप बिल्कुल डन कर लिया है. नाउ अब बारी आती है जो मुझे ड्रेस वेयर करनी है. सो गाइज यहाँ पर मैंने वेयर किया है ये सूट जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा लूज है बिकॉज ये मेरी मम्मा का सूट है. एंड मतलब मुझे कितना अच्छा मौका मिला है अपनी मम्मा का सूट वेयर करने का. नाउ ये है दुपट्टा. नाउ अब बारी आती है हेयर स्टाइल की. एंड मुझे सूट बहुत ज्यादा लूज है. तो गाइस हिना खान ने एक बन बना रखा है यू नो बैक साइड पे एज यू कैन सी. तो इसी तरह से मैं हेयर को टू पार्टीशन में डिवाइड करके पीछे की साइड एक क्यूट सा बन बनाऊंगी. नाउ गाइज मैसी बन के बाद अब बारी आती है इयर रिंग्स की. तो इयर रिंग्स मेरे पास सेम एग्जैक्ट नहीं थे बट स्टिल जितना मुझसे हुआ मैंने मैचिंग ही ट्राई किए हैं. मेरे पास ये थे तो मैं इयर रिंग्स ये ट्राई कर रही हूँ. मतलब 100% मैचिंग नहीं है बट स्टिल मैं ये वाले इयर रिंग्स यूज़ कर रही हूँ.
सो गाइस ये है मेरा लुक नंबर वन। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो हिना खान का सूट, उनका ड्रेस, उनका मेकअप। तो मैंने यहाँ पे जस्ट मतलब जो मेरे पास सूट था मामा का सूट, मैंने वो वियर किया है। इयररिंग्स मेरे पास जो थे वो मैंने वियर किए हैं। सो गाइस मेकअप भी मैंने उनकी तरह करने की कोशिश की है, बट वो हिना खान है, मैं हूँ। तो आप इस तरह के मैं डिस्क्लेमर ही दे देती हूँ, ये जस्ट एक रिक्रिएशन लुक है। तो प्लीज कंपेयर मत करना कि आप हिना खान की तरह नहीं लग सकते, मुझे लगना भी नहीं है, बिकॉज वो डिफरेंट है, डिफरेंट हूँ, हम दोनों अलग हैं। तो एक जैसे नहीं हो सकते, मेकअप भी एक जैसा नहीं कर सकती, बस उनका फेस अलग है, मेरा अलग है। तो प्लीज इस चीज को समझना, इस तरह के कमेंट्स मत करना। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ पिक्स क्लिक करवाने। गाइज आपको लुक नंबर वन कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताना। नाउ अब बारी आती है लुक नंबर टू की, जिसके लिए उनका जो फेस है जो मेकअप है वो बिल्कुल सेम है, जस्ट उन्होंने अपनी ड्रेस चेंज की है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ लुक टू। सो गाइज एज यू कैन सी ये है उनका लुक टू, जिसमें उन्होंने हेयर अपने ओपन कर लिए हैं, एक साइड कर लिए हैं इस तरह से, और व्हाइट कलर की यहाँ पे उन्होंने जैसे कि आप देख सकते हो कुर्ती पहन रखी है। तो मैंने यहाँ पे अपना व्हाइट कलर का टॉप वेयर किया है। नाउ नेक्स्ट मैं यहाँ पे वेयर कर रही हूँ एक कलर फुल सा दुपट्टा। सो दुपट्टे के लिए मेरे पास दो चॉइस थी कि मैं इसमें से कौन सा वियर करूं। सो मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ ये वाला दुपट्टा, बिकॉज ये ज्यादा मैच कर रहा है। नाउ इसके बाद अब बारी आती है इयररिंग्स की। तो यहाँ पे उन्होंने झुमकी वियर कर रखी है, तो इसी तरह से मैं अपने ये झुमकी मैंने यहाँ पे पिक की है वियर करने के लिए। तो गाइज इसके बाद अब बारी आती है हेयर स्टाइल की। तो जो उनका हेयर स्टाइल है वो कुछ इस तरह से है, ऑब्वियस सी बात है हमारे हेयर एक जैसे नहीं लग सकते, बिकॉज उनके हेयर शॉर्ट है, मेरे हेयर थोड़े से लॉन्ग है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं उनके तरह हेयर लुक मतलब जो स्टाइल है वो कर पाऊँ। सो गाइज दिस इज माई सेकेंड मेकअप लुक। तो मुझे कॉमेंट्स करके जरूर बता देना कि आपको लुक वन पसंद आया या फिर टू पसंद आया। सो गाइज अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं जरूर आप सबके साथ शेयर करूंगी, बिकॉज मुझे काफी मजा आया है उन लुक्स को क्रिएट करने में। कि जैसे उनके पास ड्रेस थी तो मेरे पास नहीं थी, तो मैंने अपनी मम्मा की ड्रेस शेयर की, जो कि जो कि मैंने फर्स्ट टाइम वियर की। तो थोड़ा सा वियर्ड था कि मुझे बहुत ज़्यादा लूज, स्टिल मैंने ट्राई किया। और अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो गाइस आप मुझे ये भी कमेंट्स करके बताना कि आपको लुक वन पसंद आया या टू पसंद आया, ठीक है। तो आगे से अगर कोई गलती हुई हो तो मैं उसे कवर करने की कोशिश करूँगी। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल। और नेक्स्ट आप किसका रिक्रिएशन लुक चाहते हो वो भी मुझे कॉमेंट्स करके बताना। मतलब पहले मैं लुक पूरा क्रिएट करूंगी, फिर उसके बाद जो उन्होंने ड्रेस वगैरह वियर कर रखी है उसी पोज में मैं पिक्चर्स क्लिक कराने की कोशिश करूंगी। सो बता देना। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।